हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदित चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर सेशन 24 जून 2020। डेली सुबह 7 बजे मैं आपको करंट अफेयर का सेशन दूंगा, जिसमें आपको डे वाइज आज जैसे 24 जून या फिर 25, ऐसे आपको करंट अफेयर मिलते रहेंगे। वीडियो शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, जैसे 1-1 घंटे का वीडियो होता है उतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से पढ़िए और ख़त्म करके आगे बढ़िए, और ज़्यादा फोकस करिएगा कि चीज़ों को याद कर पाएँ और उनको रिटेन कर पाएं, क्योंकि अगर आपको वर्ड याद रह गया तो एग्जाम में जरूर टिक होगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है, पैराग्राफ के फॉर्मेट में है। पैराग्राफ मतलब समझ रहे हो, मैं आपको पैराग्राफ के फॉर्मेट में बताऊंगा वो करंट अफेयर क्या है, फिर उस पैराग्राफ से हम लोग क्वेश्चन बना बना के सीखेंगे। जैसे कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान has been launched for 6 states, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, by Prime Minister Narendra Modi, on the lines of the announcement made in rupees 20 lakh crore आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्या कह रहा है ये मैं आपको समझा देता हूँ। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो 6 राज्यों में इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ कहाँ पर? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, झारखंड में और उड़ीसा में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान है किसके लिए? ये जो माइग्रेंट वर्कर है ना, जो अभी लॉकडाउन हुआ था तो आपको पता है दिल्ली में काफी, दिल्ली, मुंबई और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज जो, जहां पर लोग मजदूर हमारे काम करने जाते हैं, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं। सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स मजदूर नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो वो जो वहां जा रहे हैं और वहां से वो लोग वापस लौट के आए, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो लॉकडाउन होने की वजह से वो लोग घर वापस आने लगे। अब आप लोग कहोगे सर वो घर के वापस आ रहे थे, वहां पर रह भी तो सकते थे। नहीं, बहुत सारे रीजंस होते हैं भाई। जैसे मान लो आपको पता चले आप लॉकडाउन है और गांव में आपके माता पिता अकेले हैं, तो नॉर्मल सी बात है आपको चाहे जितना खाना दे दिया जाए, जितना कुछ भी दे दिया जाए, आप अपने माँ बाप से मिलने जरूर जाओगे इस लॉकडाउन के समय में। तो वो क्यों बाहर निकले वो एक अलग मुद्दा है, पूरा उसको समझेंगे कभी अच्छे से बैठ के। ठीक है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आप बिना मीडिया के भी जान जाओगे कि क्यों वो बाहर निकले होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हर चीज मीडिया में बिलीव मत किया करिए जो मीडिया आपको बता रहा है, आप अपना दिमाग भी लगाया करिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि वो बाहर निकले। चलिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान हैज बीन लॉन्च्ड फॉर 6 स्टेट्स। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कितने राज्यों के लिए लॉन्च किया है? तो 6 राज्यों के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। और अगर आपसे ये पूछा जाए किस अभियान के अंडर में इसको लॉन्च किया गया, जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और आजकल के एग्जाम के करंट अफेयर ऐसे ही हो गए हैं। आजकल के एग्जाम के करंट अफेयर में वो क्या करता है, वो आपसे क्वेश्चन घुमा फिर आगे पूछेगा, इसलिए आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस अभियान के अंतर्गत आता है, तो आप क्या कहोगे? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में आता है। और कितने का इसका टोटल कैपिटल कितना है? 50,000 करोड़ का है। अब अगर आपसे ये पूछे किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन बन गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में लॉन्च हुआ है? 6 राज्यों में लॉन्च हुआ है। किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। किस अभियान के अंडर में लॉन्च हुआ है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर में लॉन्च हुआ है। और अगर आपसे कहा जाए कि द आउटले ऑफ दिस कैंपेन इज रुपीस, कितने का टोटल कैपिटल था? 50,000 करोड़ का कैपिटल था। किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड जुडिशियल पार्लियामेंट का एक लॉ इंडेक्स का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंक 69th है। इंडिया वॉज रैंक्ड 69th इन द वर्ल्ड जुडिशियल पार्लियामेंट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020। देखिए एक चीज समझिए, जितना इंपॉर्टेंट है, जितना जरूरी है, बस मैं उतना बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में आंसर टिक कर पाएं। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे तैयारी करिएगा तो आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। कभी कभार क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है और हम वो पढ़ने लगते हैं जो जो हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो ठीक है एक बार एग्जाम निकाल लें, उसके बाद फिर पढ़ते रहेंगे भाई, मंथली सैलरी आएगी, किताबें खरीदते रहना, पढ़ते रहना, है कि नहीं? चलिए, तो इंडिया की जो रैंक है वो 69 है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है,
में इंडिया की रैंक क्या है, तो आप क्या आंसर करोगे? 69। और अगर ये पूछ लिया रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, और ये बहुत खराब रैंकिंग है, एक बात बता दूं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन लॉन्च करता है? तो वर्ल्ड जुडिशियल पार्लियामेंट इसको लॉन्च करती है। तो देखिए दो क्वेश्चन बन गए, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 69, और कौन इसको लॉन्च करता है? वर्ल्ड जुडिशियल पार्लियामेंट। राजेंद्र गोयल जो जो डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, वो पास अवे कर चुके हैं। एग्जाम में मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राजेंद्र गोयल किस खेल से संबंधित है, विच स्पोर्ट राजेंद्र गोयल बिलोंग, तो आप आंसर क्या करोगे? डोमेस्टिक क्रिकेट। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस वे में फॉर्म करेगा उसको जरूर जानिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीश त्रिपाठी ने अपनी एक किताब लॉन्च करी है, लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो एक राजा थे सुहेल देव नाम के, उन्होंने इंडिया को कभी लड़ाइयों में पुराने जमाने में बचाया होगा, तो उनके ऊपर एक किताब लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। एग्जाम में बस आपसे इतना पूछा जाएगा, ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया किसने लिखी है। अपने एग्जाम को पहचानिए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वैसे ही करंट अफेयर पढ़ के जाया करिए, तब आपको फायदा होगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं कि 21 जून को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हुआ था। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो था वो 21 जून को हुआ था। दो तीन बार बोला करिए, अपने आप याद हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। देखिए रिवीजन से बढ़िया चीज कोई नहीं, एक बात याद रखिएगा, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना आपको याद रहेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। यूएन डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल IDY माने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020 थीम एज योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडिया इज प्रमोटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020 विद द थीम एज योगा एट होम योगा विद फैमिली। जरा इस चीज को समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जो थीम रखी है वो योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इंडिया में जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा प्रमोट कर रहे थे उसकी थीम थी योगा एट होम और योगा विद फैमिली। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है थीम वाला कि इंटरनेशनल डे योगा की थीम क्या थी, अगर दो ऑप्शन है तो देख लेना कि यूनाइटेड नेशन का पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का पूछा है, दोनों में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो मैंने पहले बता दिया कि यूनाइटेड नेशन का थीम क्या था, योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का क्या था, योगा एट होम योगा विद फैमिली। और ये चीज आप एग्जाम में थोड़ा तुक्का भी लगा सकते हैं क्योंकि फैमिली वर्ड इंडिया वाले ज्यादा यूज करेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे इज ऑब्जर्व 21 जून को, हम लोगों ने वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे ऑब्जर्व किया है। तो एग्जाम में बस इतना पूछेगा, अब इतना डीप में हम नहीं जाएंगे कि हाइड्रोग्राफिक क्या होता है, मैं वही बार बार कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड नहीं करना है, उतनी इन्फॉर्मेशन लेनी है जितनी एग्जाम के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 जून को। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 जून को। बहुत सारे डे पढ़ लिए, ठीक है, कल पढ़ाया था रेफ्यूजी डे, रेफ्यूजी डे कब किया जाता है, म्यूजिक डे कब किया जाता है, रीडिंग डे कब किया जाता है, कल पढ़ाया था मैंने नेशनल रीडिंग डे के बारे में पढ़ाया था और रेफ्यूजी डे के बारे में पढ़ाया था। आज वर्ल्ड म्यूजिक डे हम मनाते हैं 21 जून को। नेक्स्ट, बार बार पढ़ने से ही याद होगा, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं उसको दो तीन बार बोल लिया करो, अपने आप याद हो जाएगा। 15th फाइनेंस कमीशन। अब देखिए, अब आपको सर ये 15th फाइनेंस कमीशन कहां से बीच में आ गया, अभी तो हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे। देखिए 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसके रिकमेंडेशन आ रहे हैं, ठीक है, तो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट मानती है, तो अभी 15th फाइनेंस कमीशन न्यूज में है। अब आप लोग गलती क्या करोगे मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग गलती ये करोगे कि 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पढ़ के चले जाओगे, आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, बात समझो। आपसे कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, तो नंद किशोर सिंह है, जो ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, ये यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, बहुत सारे इनके अचीवमेंट हैं, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके बिहार से, द 15th फाइनेंस कमीशन नंद किशोर सिंह। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, अब आप सारी बातें भूल जाओ, बस इतना याद रखो, पहली बात तो ये कौन सा फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन होता क्या है, बहुत सीधी सी बात है, राज्यों और राज्य की सरकारों और केंद्र की सरकारों में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रेवेन्यू का डिवाइड होता है, टैक्स कलेक्शन को जो डिवाइड किया जाता है वो फाइनेंस कमीशन करता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि फाइनेंस कमीशन कौन सा है, 15, और इसका जो चेयरमैन है वो कौन है, नंद किशोर सिंह।
वही बात है, जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे, रिकमेंडेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और बाद में वीडियो बना के समझा भी दूंगा कि फाइनेंस कमीशन होता क्या है डिटेल में। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको सब कुछ बताया जाएगा वो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आप जब इस चैनल से जुड़े रहेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो हाँ, जो सर ने बताया था वो एग्जाम में आया हुआ है, और बस मुझे वही टिक करना है जो जो मुझे पढ़ाया गया। चलिए, 23 जून, इंफॉर्मेशन ओवरलोड मत करिए। 23 जून वॉज चोजन टू बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है, ठीक है? तो ये बात हम लोग याद रखेंगे कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी मनाया जाता है 23 जून को। बस याद करना है, बार बार बोलते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून। नेक्स्ट, अब ये भी पैराग्राफ है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ, इसको जो मैंने पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा, वो वहां पर शायद लिखते वक्त इंफॉर्मेशन मिस हो गई है, तो जरा सा एक बार हम लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, इंफॉर्मेशन मिस हो गई है। इन एन एफर्ट टू कम्पीट विद, क्या है मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक जीपीएस सिस्टम है, उसको बोलते हैं नेवस्टार। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक जीपीएस सिस्टम है जिसको क्या बोलते हैं, नेवस्टार। और रशिया का जो जीपीएस सिस्टम है उसको बोलते हैं ग्लोनास। गैलीलियो सिस्टम का कहाँ का जीपीएस है, यूरोपियन यूनियन का। तो चाइना ने भी अपना एक जीपीएस सिस्टम इस्टेब्लिश किया है स्पेस में, इसको बोलते हैं बीडीयू, BIDEOU। इसको मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना, BIDEOU, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपना ग्लो अपना जीपीएस होना बहुत बड़ी बात है। अब आपसे एग्जाम में देखो, वही बात है ना, आप जब कोई पैराग्राफ पढ़ते हो तो आप ये सोचा करो कि एग्जाम में मुझसे पूछ रहे कैसे। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यूनाइटेड स्टेट्स का जीपीएस सिस्टम क्या है, तो नेवस्टार है। रशिया का जीपीएस सिस्टम क्या है, तो ग्लोनास है। यूरोपियन यूनियन का जीपीएस सिस्टम क्या है, तो गैलीलियो है। और चाइना का जीपीएस सिस्टम क्या है, चाइना का जीपीएस सिस्टम आपका ये BIDEOU, बिडो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, और डिटेल में नहीं जानना कि कैसे पोजीशन किया, क्या क्या था, वो कुछ उससे कोई मतलब नहीं। अब देखो, चाइना और जापान के बीच में एक द्वीप को लेकर लड़ाई चल रही है, और उस द्वीप पे कोई रहता नहीं है। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड विदाउट इनहैबिटेंट्स, मतलब ऐसे द्वीपों का समूह जहां पे कोई रहता नहीं है। तो साउथ चाइना सी में है, अगर आप मैप देखो तो मैप में साउथ चाइना सी में आपको दिखाई देगा। चाइना और जापान की लड़ाई चल रही है, ये चाइना का पता क्या कर रहा है, ये जिन लोगों को अभी लग रहा होगा इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशन फॉलो करते होंगे वो जानते होंगे, चाइना साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर से लेकर पूरे रिंग रिंग में घेर रहा है इंडिया को। तो हालांकि इंडिया ने बहुत जगह पे स्ट्रैटेजिक मूव लगाए हैं, जैसे कि ग्वादर पोर्ट पे लगाया है, सॉरी छाबार पे, और ग्वादर तो पाकिस्तान में है, छाबार पे लगाया है ईरान में, और ये इधर हम लोगों ने शेशल्स द्वीप में भी अपने कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं। तो चाइना की रिंग पॉलिसी को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो चिंता मत करिए, चाइना हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चाइना क्या कर रहा है ना, चाइना जो साउथ चाइना सी में छोटे छोटे द्वीप है ना, उनको परेशान कर रहा है। उनसे चाइना का ये बोलना है कि, जैसे मैं आपको समझाऊं, क्या आप ये बोल सकते हो कि हिंद महासागर में हिंद लिखा है तो मेरा होगा? अगर आप ये कहो कि इंडियन ओशियन में इंडियन लिखा है तो मेरा होगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ नॉटिकल माइल्स तक रेंज होती है जहां तक आपका पानी होता है, उसके बाद फिर वो एक्सक्लूसिव मतलब आपका एक, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक जोन होता है जिसमें वो चला जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड का उसका अधिकार होता है, किसी कंट्री का नहीं होता है। लेकिन चाइना का ये कहना है कि अगर आप मैप में देखना, साउथ चाइना सी, चाइना चाहता है पूरा साउथ चाइना सी उसका हो जाए, तो वो बड़े बड़े द्वीपों पर कब्जा कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे द्वीप है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो चाइना और जापान के बीच में लड़ाई चल रही है, ठीक है? एक द्वीप को लेकर, जापान वाले उस द्वीप को बोलते हैं सेनकाकू, और चाइना वाले उस द्वीप को क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है? तो चाइना और जापान के बीच में एक साउथ चाइना सी में लड़ाई चल रही है द्वीप को लेकर। जापान उसको बोलता है सेनकाकू, चाइना उसको बोलता है कुछ और, आप उसका नाम मुझे कमेंट बताना। तो एक द्वीप में लड़ाई चल रही है। नेक्स्ट, राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना चालू करी है। तो इंदिरा रसोई योजना किस गवर्नमेंट ने चालू करी है, राजस्थान ने चालू करी है, बस इतना याद रखना, ठीक है? मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं ज्यादा पढ़ने की। इंदिरा रसोई योजना किसने चालू करी है, राजस्थान गवर्नमेंट ने चालू करी, बस।
अब देखो ये CITES, इसका फुल फॉर्म देख लो, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये भी न्यूज में है। अभी बहुत ज्यादा जानवरों की तस्करी चल रही थी, तो जानवरों की तस्करी के लिए ये जो आपका CITES ऑर्गेनाइजेशन है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेना। कभी कभार क्या होता है ना, पूरी पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती, उस न्यूज के अंदर दो तीन बातें होती है जो इंपॉर्टेंट है, उतना बता दे रहा हूँ। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने एक कुम्हार सशक्तिकरण योजना को लॉन्च किया है, ठीक है, राजस्थान के पोखरण में। तो सबसे पहले आपसे पूछा सकता है कि कुम्हार सशक्तिकरण योजना कहाँ लॉन्च की गई है, तो खादी विलेज कमीशन द्वारा राजस्थान में लॉन्च की गई है। और किसने लॉन्च करी है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने, खादी ग्रामोद्योग जो होता है, ठीक है, खादी ग्रामोद्योग, ग्राम माने विलेज, उद्योग माने इंडस्ट्रीज, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना लॉन्च करी है। कहाँ लॉन्च करी है, राजस्थान में, ठीक है, वही जो पॉटरी है उसको फेमस करने के लिए। तो क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अपने दिमाग से सोचना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के मैंने जितने भी करंट अफेयर बताए इनको आप एक बार रिवाइज करिएगा। डेली सुबह 7 बजे आपको यहाँ पर करंट अफेयर मिलेंगे, और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वही करंट अफेयर बताऊंगा जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू।